अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारी उस सीरीज़ का जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, और उस सीरीज़ का नाम है 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम्स। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम्स ये क्या चीज़ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारी बहुत सारी साइंस और सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे नौजवान पढ़ते हैं, उस हिस्ट्री में से एक एज है जिसको डार्क एज कहते हैं। Take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. तो फिफ्थ सेंचुरी के बाद एक ऐसा एज, एक ऐसा पीरियड जिसमें साइंस और सिविलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा गया, नहीं बताया गया, और आज भी हमारे बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है। और उसके बाद डायरेक्ट आता है 15th century, 16th century, जहाँ पर साइंस ने और सिविलाइजेशन ने बहुत सारी तरक्कियाँ की, बहुत सारे इन्वेंशंस किए। लेकिन उन इन्वेंशंस की, उन तरक्कियों की बुनियाद क्या थी, उसकी शुरुआत किसने की, वो हम हमारे आने वाले सीरीज़ में बताएंगे। फिफ्थ सेंचुरी के बाद से अक्सर लोग जिसको डार्क एज के नाम से जानते हैं, हकीकत में वाकयतन वो एक गोल्डन एज कहलाई जानी चाहिए। उसको हमें गोल्डन एज के नाम से जानना चाहिए। और उस पीरियड में, उस एज में सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस मुस्लिम्स ने करे, मुसलमानों ने करे। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने लंदन में एक एग्जीबिशन करी 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम्स। उन्होंने 2011 में ये एग्जीबिशन करी। ये एक अवार्ड विनिंग साइंस एग्जीबिशन थी जिसमें शोकेस किया गया था 1000 ईयर ऑफ इन्वेंशन बाय मुस्लिम्स। मुसलमानों ने जो 1000 साल तक जो इन्वेंशन साइंस और सिविलाइजेशन में करे, उसको इस एग्जीबिशन में शोकेस करा गया था। आइए हम उस एग्जीबिशन की छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। I am delighted to send greetings to each of you at this year's 1001 Inventions, celebrating a millennium of science and innovation in the Muslim world. This exhibition honors the remarkable accomplishments of Muslims throughout history, from a woman who founded a university in the 9th century to a 13th century inventor and mechanical engineer, to a surgeon whose writings influenced European medicine for hundreds of years, and so many more. Imagine a world 1,000 years ago that shaped the world today. 1001 Inventions is an award-winning educational organization that is leading an international effort to celebrate the creative golden age of Muslim civilization. This is a world that was lost to so many people. During this period, it may have been part of the Islamic Empire, but there were great Jewish, Christian scholars working here. Sabaean, Hindus, Buddhists. There were Persians, there were Arabs, there were Turks, there were Chinese, there were Indian. There are women who did things like set up universities, who invented scientific experiments, and they're really celebrated. It's just a period in history that people in the West don't seem to know about. This new space is using the historical roots of science as a means and as a tool for social cohesion and cultural convergence, where people respect and harmonize with each other. जैसा कि आपने देखा कि एग्जीबिशन में
बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे थे जिनके बेसिस पर, जिन अगर वो नींव नहीं पड़ी होती, अगर वो इन्वेंशंस नहीं हुए होते, तो आज जो इन्वेंशंस हो रहे हैं वो नहीं हो पाते। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चौंका देने वाला एग्जाम्पल लगे। एक औरत ने, फातिमा अल-फिहरी, उन्होंने 9th century में यूनिवर्सिटी कायम करी। उन्होंने ना कि एक यूनिवर्सिटी कायम करी बल्कि इस पूरी कायनात की वो पहली यूनिवर्सिटी थी, पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक मुसलमान खातून ने बनाई, फातिमा अल-फिहरी ने। इस तरीके से बहुत सारे साइंस से मुतालिक इन्वेंशंस हैं जो कि मुसलमानों ने करे, जो कि डार्क एज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम उसको गोल्डन एज कहेंगे। गोल्डन एज में जो मुसलमानों ने इन्वेंशंस करे उनके बारे में हम एक सीरीज बना रहे हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले 1001 इन्वेंशंस जो कि मुसलमानों ने किए थे उनके बारे में लोगों को पता चले, उस एज के बारे में लोगों को पता चले जिसको अक्सर डार्क एज के नाम से जाना जाता है। हम उनको कहेंगे गोल्डन एज, उस गोल्डन एज के बारे में सबको पता चले। इसलिए दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ये जो वीडियोस है, ये जो सीरीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम हिस्ट्री से, हमारी हिस्ट्री से कनेक्टेड रहे और हमें मालूम हो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा और अजदाद ने कौन कौन से इन्वेंशंस किए थे, कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी थी, तब जाकर आज हमने इतने मॉडर्न और साइंटिफिक वर्ल्ड में कदम रखा है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।